जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब हम लास्ट टाइम ईद से पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फेसबुक मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, मतलब हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया था। तो आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, तो उनकी वजह से मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। उसके बाद फिर हम फेसबुक मार्केटिंग की तरफ प्रॉपर चलेंगे और आप प्रैक्टिकली काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है ना, ये क्या होती है, ये मैंने वैसे बेसिकली आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बता रही थी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, इन सब के ऊपर आप अपने ब्रांड को प्रमोट कैसे करोगे कि लोगों तक, आपका जो अगर न्यू न्यू ब्रांड है कोई भी उसको नहीं जानता तो आप उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जो है इनके ऊपर अपने पेजेस क्रिएट करें, इनके ऊपर कंटेंट्स जो है अपने ब्रांड के बारे में पब्लिश करें, तो लोग आपके ब्रांड के बारे में अवेयर होंगे। जब अवेयर होंगे तो फिर वो लोग आपके पेजेस को लाइक करेंगे, आपके कंटेंट को लाइक करेंगे और आपके पास आपके जो ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल आउट होंगे, ठीक है। तो हमने ये सीखना है बेसिकली मेथड कि हमने किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने हैं, ठीक है। हमने ये स्टार्टिंग में भी देखा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में जस्ट आपने अपनी चीजें बेचनी नहीं है, आप अपनी सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई ब्रांड काम कर रहा होता है तो वो अपनी, जैसे कोई फॉर एग्जांपल क्लोथिंग ब्रांड है या ज्वेलरी का कोई ब्रांड है, वो तो जाहिर है अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग को प्लेटफॉर्म्स को यूज करके। मीन्स वो अपने पेजेस के ऊपर इन चीजों के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में पोस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, तो आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन जो है डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स दे रहे होते हैं, ऑनलाइन आपको एडवाइसेस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स बेसिकली आपको अपनी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, वो अपनी जो है ना सर्विस आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी सर्विसेज भी लोगों को सेल आउट कर सकते हो। जैसे अब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप अपनी एक एजेंसी बना सकते हैं ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन एजेंसी के थ्रू आप लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं ऑनलाइन के, आप उनके जो ब्रांड है ना उसको प्रमोट करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपने उनको एक सर्विस दी ना कि आप किस तरह से उनको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आप अपना अपना ब्रांड जो है आपके थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट करें। तो ये भी ऑनलाइन सर्विस आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। पहले आपने देखा होगा कि पहले टाइम जो होता था, लोग अगर कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते थे तो उसके लिए वो फिजिकल एजेंसीज ओपन करते थे, लोग फिजिकली उनके पास ट्रेवल करके जाते थे फिर उनसे सर्विसेज लेते थे। तो अब आपको ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी एजेंसी जो है वो फिजिकली ओपन करें, पहले कोई स्पेस आप, मतलब कोई आपके पास जगह हो, अगर जगह नहीं है तो आप वो परचेज करें, परचेज नहीं कर सकते तो आप उसको रेंट पे लें। तो ये कितना आपका मतलब एक्सपेंसेस जो है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके बच गए कि आपको ना तो कोई चीज, कोई जगह खरीदनी पड़ रही है अपनी एजेंसी ओपन करने के लिए, ना ही आपको कोई जगह रेंट पे लेनी पड़ रही है, बल्कि आपने जस्ट एक फेसबुक पेज बनाना है या इंस्टाग्राम पेज बनाना है और उसके ऊपर आपने अपनी सर्विसेज के बारे में पोस्ट करनी है, उसी के थ्रू आपने लोगों से के अपॉइंट आप लोगों का अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है और लोगों से आपने ऑनलाइन ही डील करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि हम कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हम ना सिर्फ अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं, सेल्स में इंक्रीज कैसे ला सकते हैं और अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस कैसे लोगों में क्रिएट कर सकते हैं। लोग अगर हमने न्यूली एक ब्रांड क्रिएट किया है, अगर कोई भी नया ब्रांड आप देखें आता है मार्केट में, लोग उसके बारे में जानते भी नहीं होते और उसका नेम भी नहीं पता होता, लेकिन अचानक थोड़े ऐसे के बाद हर किसी के जुबान पे उसी ब्रांड का नेम होता है, हर कोई उसी के बारे में कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये कैसे अचानक से सब लोगों को इतना पता चल जाता है? तो उसके लिए ना लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, स्टार्टिंग में लोग अपना पेजेस क्रिएट करते हैं और उस पेज पर अच्छा कंटेंट लोगों को जो है ना पोस्ट करते हैं जो लोगों को के लिए अट्रैक्टिव हो, ठीक है। ऐसी पोस्ट करना जो कि अट्रैक्टिव हो और जो इंफॉर्मेटिव हो लोगों के लिए, जिसमें लोगों का कोई फायदा हो।
तो फिर ही लोग आपकी कोई सर्विस बाय करेंगे या फिर आपका कोई ब्रांड जो है उसको उसको इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है जी, जब भी कोई नया ब्रांड आता है तो वो लोगों के लिए कोई अच्छी अपने ब्रांड के लिए कुछ ऐसे जो है ना बेनिफिट शो करता है कि जो लोगों को दूसरे ब्रांड में नजर नहीं आ रहे होते, या कुछ ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर्स वो दे रहे होते हैं जिनकी वजह से लोग अट्रैक्ट होके आते हैं कि वो उनसे कुछ सेल मतलब कुछ परचेज करें। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि इस टाइम बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जो लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा इस दुनिया में यूज होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त फेसबुक है, और उस डेटा के मुताबिक ऑलमोस्ट 3.6 बिलियन लोग जो है ना मंथली इस फेसबुक फेसबुक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस दुनिया की 37% जो पॉपुलेशन है वो फेसबुक को पर मंथ यूज कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि शॉर्ट वीडियोस पे फोकस कर रहे हैं ना, वो वाले प्लेटफॉर्म इस टाइम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जैसे हमने देखा होगा कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह इस तरह के ये जो है ना बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस ज्यादा होती हैं, क्योंकि लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है, बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं सब लोग, बहुत ज्यादा लोगों के पास काम होते हैं अपने और अपनी बिजी रूटीन में, उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई इतना लंबा कंटेंट रीड करे या इतना लंबी वीडियोस देखे, तो लोग चाहते हैं कि शॉर्टली उनको फौरन बहुत थोड़े सी लाइंस में जो है ना मैसेज कन्वे हो जाए, या थोड़े छोटे से एक जो है ना वीडियो को देखें और उन्हें समझ आ जाए कि भाई क्या बात को कहना चाह रहा है, तो इसलिए लोग जो है ना वो ज्यादा शॉर्ट वीडियोज देख रहे होते हैं। तो शॉर्ट वीडियोस जिन प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादातर अपलोड हो रही होती हैं वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक वगैरह। इसके अलावा थर्ड जो चीज है वो मैसेंजर एप्लीकेशंस हैं, यानी जिनके ऊपर मैसेजेस हो रहे होते हैं, उनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम वगैरह ये भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि लोग जो है अब किसी को डायरेक्टली कॉल नहीं करते या फिर जो है ना मैसेज सीम्स के थ्रू जो है ना मैसेजेस नहीं सेंड कर रहे, तो बल्कि वो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस सेंड करते हैं, फेसबुक मैसेंजर्स के थ्रू, टेलीग्राम वगैरह, जो ये जो चीजें हैं ये अब जो है ना पहले की निस्बत काफी ज्यादा आगे निकल गई है। ठीक है, तो मैं अब ये आपको कुछ स्टैट्स दिखाती हूँ। ये देखिए जो फेसबुक है उसके ऊपर 3.6 बिलियन पर मंथ एक्टिव होते हैं। ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर 2.7 बिलियन पीपल जो है ना वो पर मंथ एक्टिव होते हैं, मतलब एक मंथली उसको यूज कर रहे हैं। और व्हाट्सएप उसके बाद यानी थर्ड नंबर पे व्हाट्सएप आता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे फेसबुक है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, सेकेंड नंबर पे यूट्यूब यूज हो रहा है, और थर्ड नंबर पे व्हाट्सएप यूज हो रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर 2.4 बिलियन जो पीपल है ना वो इस टाइम पर मंथ इसको यूज कर रहे हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी 2.35 बिलियन लोग जो है ना इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और फिफ्थ नंबर पे आता है टिकटॉक। टिकटॉक जो है वो 1.67 बिलियन पीपल यूज कर रहे हैं इस टाइम दुनिया में। अच्छा, इस डेटा को आपको दिखाने का पर्पज ये था कि हमें ये पता चले कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, ताकि हम ये देखें कि जो से प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज हो रहे हैं हम उनके ऊपर जो है ना मार्केटिंग पे फोकस ज्यादा करें। ठीक है, क्योंकि जाहिर है जिस चीज को लोग ज्यादा यूज करें उसी पे अगर हम अपनी अपना कंटेंट शो करेंगे तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और हमारा मेन मकसद भी तो यही है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ब्रांड की अवेयरनेस पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा ब्रांड को जो है ना उसको लाइक करें और उससे चीजें हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज करें और हमारी सेल्स में इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हम इस कोर्स में जो है ना पहले फेसबुक मार्केटिंग सीखेंगे। तो फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो है ना ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से होती हैं, मतलब एक ही बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया जाता है, वहीं से ऑप्शन होती है कि आपने फेसबुक पे ऐड शो करवाना है या इंस्टाग्राम पे शो करवाना है। ठीक है, तो आप या तो जस्ट फेसबुक को सिलेक्ट कर लो या जस्ट इंस्टाग्राम को या फिर दोनों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो एक ही प्लेस है जहाँ सामने एड्स रन करनी है, तो वो सेम मेथड है। ठीक है, फेसबुक में एड्स रन करने का भी मेथड सेम है, यूट्यूब एड रन करने का भी मेथड सेम है। ठीक, सॉरी, यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम जो एड्स रन करने हैं वो भी मेथड सेम है। ठीक है,
उसके बाद हम इंशाल्लाह आपको ये सिखाएंगे कि आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करें, उसके ऊपर आप अपने बिजनेस की डिटेल्स को कैसे जो है ऐड करेंगे, और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे अपना कैटलॉग कैसे बनाएंगे, मतलब आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट जो है उसके थ्रू अपना बिजनेस जो है कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब हम फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग के बाद हम गूगल मार्केटिंग पे जाएंगे, ठीक है। उसमें हम यूट्यूब मार्केटिंग भी इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। तो अगर तो आप लोग ये चीज़ें अच्छे से सीख जाएं तो उसके बाद आप लोगों के लिए टिकटॉक मार्केटिंग कुछ मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो भी इन्हीं मेथड्स को ही फॉलो करके की जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो हम इस शॉर्ट टाइम में आपको जो बेसिक है ना, आप मतलब बेसिक जो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं और बेसिक जिन प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग आपको हम सिखाना चाहिए ना, वो हम आपको इंशाल्लाह सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप और भी एक्सप्लोर करके और बहुत सारा कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमने ये देखना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, इसमें हम फेसबुक मार्केटिंग पे जा रहे हैं पहले, ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग में हमने एक होता है फेसबुक प्रोफाइल, जो आपकी मेन प्रोफाइल होती है, ठीक है। इसमें आप इसे आप अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप अपनी पर्सनल जो है पिक्चर्स या वीडियोस अपलोड करते हैं, या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आप किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें आप प्रोफाइल में ऐड करते हैं, ठीक है। और ये प्रोफाइल आपके पर्सनल यूज के लिए, आपके पर्सनल जो आपके फ्रेंड्स हैं ये फैमिली मेंबर्स हैं, ये सिर्फ वो लोग ही इसको मतलब प्रोफाइल को देख सकते हैं। देख तो और भी लोग सकते हैं, अगर आपने प्राइवेसी नहीं लगाई हुई तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा भी बाकी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट और अगर आपने प्राइवेसी लगाई है तो फिर जो आपके फ्रेंड्स में ऐड लोग हैं, सिर्फ वही आपकी प्रोफाइल को देखेंगे, और उसके आपके जो मतलब प्रोफाइल पे हमने पोस्ट वगैरह की हुई है चीजें वो उनको देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज आती है पेज, ठीक है। तो जब आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो ना, उस प्रोफाइल में फिर आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो, और जो पेजेस होते हैं वो बेसिकली यूज हो रहे थे बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर कमर्शियल यूज के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस पर्पस के लिए हमने देखा होगा कि जो ब्रांड्स हैं, जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, ओरिएंट है, निशात है और खाड़ी है, इन्होंने अपने पेजेस बनाए होते हैं, और इसके ऊपर ये डेली अपने जो है ना कंटेंट्स पोस्ट कर रहे होते हैं, मतलब अपनी जो न्यू उनके आ रहे होते हैं, मतलब जो न्यू उनके वॉल्यूम्स आते हैं उनके बारे में वो पोस्ट करते हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा आपने देखा होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने भी अपने फेसबुक पेजेस बनाए होते हैं, ठीक है। तो ये इनके ऊपर अपने जो नेक्स्ट जो कोर्सेज इन्होंने करवाने हैं, या फिर जो नेक्स्ट इनके एडमिशन ओपन हो रहे हैं उसके बारे में भी पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आके एडमिशन लें उनके पास। इसके अलावा जो कुछ पब्लिक फिगर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी अपने पेजेस बनाए होते हैं ताकि वो अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहे, और उन फैंस को वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपके वो रोजमर्रा के उनके रूटीन क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, तो वो सब कुछ उनके साथ शेयर करते रहे, ठीक है। और तो जब कोई भी जो पर्सन है ना वो किसी के पेज को लाइक करता है या फॉलो करता है ना, तो उसके पेज पर होने वाले जितने भी अपडेट्स हैं, मतलब वो जितनी भी पोस्ट वगैरह कर रहा होता है ना, वो उस शख्स को अपने जिसने वो पेज लाइक किया, अब उसकी फेसबुक के फीड के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। फीड क्या होता है कि जो फेसबुक का मेन पेज आ रहा होता है ना, उसके ऊपर जिसके ऊपर आप देखते हैं, आप स्क्रॉल अप कर रहे होते हैं और आपको पोस्ट शो हो रही होती है दूसरों की, वो आपकी फीड है, ठीक है। जैसे ही आप किसी के भी पेज मतलब पेज को लाइक करोगे या फॉलो करोगे, तो आप उसकी जो पोस्ट है ना वो भी आपको अपनी फीड में शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी आपको दो चीजों के बारे में बताया, एक प्रोफाइल और सेकेंड पेज, और फेसबुक पर एक थर्ड चीज भी होती है, और वो होती है शॉप, ठीक है। शॉप क्या होती है? शॉप जो है ना वो ई कॉमर्स बेसिकली बिजनेस को कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस पर्पस के लिए लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं, और उन वेबसाइट्स पे उन्होंने अपनी सारी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स और उनकी जो डिटेल्स है ना वो अपलोड की होती है, और वहां से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करके उसको ऐड टू
ड्रॉप वो ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और फिर वहां से हम उनको चेकआउट भी कर सकते हैं, पेमेंट करके वो चीज हम जो है उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑनलाइन हम ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉप जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है, जो हर किसी के पास अपनी वेबसाइट तो नहीं ना होती, तो जिनके पास नहीं होती तो वो फिर क्या करते हैं, वो फेसबुक के ऊपर अपनी शॉप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो फेसबुक शॉप जो है वो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट का अल्टरनेटिव है, कि जिनके पास वेबसाइट नहीं है वो अपनी शॉप क्रिएट कर लें, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, ये मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, ये किसी की एक शॉप बनी हुई है, इसका नेम देखिए इंक मीट मीट्स पेपर, ठीक है। इस शॉप के ऊपर उन्होंने डिफरेंट कैटलॉग्स अपलोड किए हैं, एक ये कैटलॉग है डे ब्राइटनर्स और सेकंड कैटलॉग है बर्थडे एंड बर्थ सीएस, ठीक है। अब अगर हम डे ब्राइटनर्स पे क्लिक करें तो ये थर्ड वाला जो इमेज है इसके आगे आ रहा है, इसमें उन्होंने शो किया हुआ है कि ये डे ब्राइटनर्स वाला कैटलॉग ओपन हुआ और उसके अंदर जितने भी आइटम्स थी, मतलब प्रोडक्ट्स थी जो वो सेल आउट कर रहे हैं इस कैटेगरी में, वो सारी नीचे शो हो रही हैं। अब आपने नोट किया होगा कि वेबसाइट के ऊपर भी इसी तरह से मतलब एक दूसरे के सामने सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा वेबसाइट से मिलता जुलता लेआउट है, ठीक है। तो ये वेबसाइट का एक अल्टरनेट है हमारी जो फेसबुक की शॉप है। अच्छा अब ये जो शॉप है ना, पहले तो पाकिस्तान में भी बन सकती थी और बहुत से लोगों ने बनाई भी हुई थी, लेकिन अब फेसबुक ने कुछ ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है रीजन्स की, कि कुछ रीजन्स में ये शॉप्स क्रिएट हो सकती है और कुछ में नहीं हो सकती, और जिन रीजन्स में अब ये शॉप नहीं क्रिएट हो सकती है, पाकिस्तान उसमें एक शामिल है, मीन्स के हम अब पाकिस्तान में शॉप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो फेसबुक हमें ये मैसेज शो कर देता है कि आपके रीजन में शॉप क्रिएट करना हम अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। तो मीन्स कि अब हम शॉप फेसबुक पे क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमारे पास सोल्यूशन यही है कि हम फेसबुक पेजेस के बनाएं, उसके ऊपर अपनी पोस्ट करें और उनको अच्छी पोस्ट करें जो बहुत अट्रैक्टिव हो और अच्छा कंटेंट, अच्छा इंफॉर्मेटिव और लोगों के लिए प्रोडक्टिव कंटेंट कंटेंट जो है वो हम उसके ऊपर पोस्ट करें। जब हम ऐसा कंटेंट लोगों को दिखाएंगे जो जिसमें उनको अपना बेनिफिट नजर आएगा, तो वो आपके पेज को भी लाइक करेंगे, आपकी पोस्ट को भी लाइक करेंगे, और अगर हम कुछ सेल आउट कर रहे हैं तो वो आपसे वो चीज परचेज करेंगे, और अगर हम कुछ सर्विस दे रहे हैं तो लोग आपसे अपनी आपकी सर्विसेज बाय करेंगे, ठीक है। तो और अगर तो इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जब हमारा पेज जो है अच्छा, मतलब उसके ऊपर काफी जो है ना इंगेजमेंट ज्यादा, इंगेजमेंट का मतलब होता है लाइक्स, फॉलोइंग्स और कमेंट्स, ठीक है। तो जब आपके पेज के ऊपर ज्यादा फॉलोइंग्स, लाइक्स और कमेंट्स आने शुरू हो जाए, आपका पेज बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए ना, तो उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करो, उस वेबसाइट को अपने फेसबुक पेज के साथ अटैच कर दो, ठीक है। तो ये बात का काम है, जब आप अटैच करोगे वेबसाइट, तो ये फिर जैसे फेसबुक शॉप जो थी उसके ऊपर काम हो रहा था कि उस शॉप के थ्रू लोग ऑर्डर कर रहे थे, वैसे ही अब लोग फेसबुक जो आपका पेज ओपन करेंगे तो वहां से आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके जाएंगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट के ऊपर भी ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले जो है ना वो जरूरी ये है कि आप अपने पेज को अच्छा ग्रो करो, पेज के ऊपर लाइक्स, फॉलोइंग्स और कमेंट्स लेके आओ, पेज के ऊपर इंगेजमेंट इंक्रीज करो, ठीक है। उसके बाद ये काम आता है फेसबुक वेबसाइट का। अगर तो फर्ज करें आपकी आपने एक पेज भी बना दिया और आपने वेबसाइट बना के वो भी अपने पेज के साथ उस पेज के अंदर ऐड कर दी है, लेकिन अगर पेज के ऊपर लाइक्स नहीं है, फॉलोइंग ही नहीं है, कोई लोग आप आ ही नहीं रहे आपके पेज पर, तो आपकी वेबसाइट पे तो कोई भी नहीं जाएगा ना। तो आपकी जो आपने इतनी मेहनत की वेबसाइट बनाई और बनवाई, उसके लिए भी आपने पे किया, और इसके अलावा जो हम वेबसाइट बनाते हैं, हम होस्टिंग वगैरह बाय बाय करते हैं, खरीदते हैं उसको, तो उसके लिए मैं हर साल कुछ अमाउंट पे करनी होती है, तो वो पैसे भी आपके जाया गए, ठीक है। तो इसलिए आपने पहले वेबसाइट पे नहीं जाना, आपने पहले अपने पेज को बनाना है अच्छा, उसके पे अच्छा कंटेंट लगाना है लोगों, और ताकि लोग उसको फॉलो करें और उसको ऊपर कमेंट्स दें, या फिर उसको जब कमेंट्स के अलावा लोग उसको मतलब फॉलो करें और लाइक्स भी करें, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैंने मैं जस्ट चेक कर रही थी कि मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, ठीक है ये हो रही है, शुक्र है। चलें अब हम आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स पे आप टेक्स्ट कर दें तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और अगर नहीं है क्वेश्चन तो भी बता दें ताकि मैं आगे चलूँ, आपको आगे भी आज काम करवाना है।
अगर क्लियर है ना, मीन्स कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस चैट बॉक्स में मुझे क्लियर लिख के मैसेज कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन जो है ना वो लिख के मैसेज कर दें, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलिए ठीक है, अभी तक तो स्टूडेंट्स ने यही कहा कि क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमने जाना है फेसबुक पेज के बनाना है। ठीक है, तो फेसबुक पेज बनाने से पहले ना कुछ ऐसी चीजें हैं, टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगी कि आपने क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं, जिनसे की वजह से आपका पेज जो है उसमें कुछ बनाने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो से काम आपने नहीं करने वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और जो आपने करना है ना वो भी मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह फेसबुक पेज बनाएंगे आज। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। जी अब देखिए, सबसे पहले ना जब आपने पेज बनाना है तो आपकी जिस फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आपने अपना पेज बनाना ना, उस आईडी को थोड़ा ओल्ड होना चाहिए। ये नहीं आपने करना कि अभी अभी आपने नया प्रोफाइल बनाया फेसबुक का और उसी के ऊपर आपने पेज भी क्रिएट करने की कोशिश की। जब हम ऐसा करते हैं ना कि कुछ लोगों के पास जीमेल आईडी भी नहीं होता कि जिसके ऊपर वो अपनी फेसबुक आईडी प्रोफाइल क्रिएट करें, तो वो अभी जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं और फौरन से उसी जीमेल आईडी के ऊपर फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं और फिर उसी फेसबुक प्रोफाइल पर उसी टाइम वो पेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जब हम बहुत इस तरह मतलब स्पीडली कोई काम कर रहे होते हैं ना फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक उसको सस्पिशियस एक्टिविटी कंसीडर करता है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो फिर उसी टाइम अपने स्टिक कर देता है और वो पेज नहीं बनने देता। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो एटलीस्ट 1 वीक जो है ना ओल्ड होना चाहिए, मतलब 1 हफ्ता पहले बना हुआ हो। ठीक है, अगर तो 1 हफ्ता पहले नहीं बना, आप अभी भी बना रहे हैं ना, तो आप बना के 1 हफ्ता वेट करें और 1 हफ्ते के बाद आप उसके ऊपर पेज क्रिएट कीजिएगा, अदरवाइज फेसबुक रिस्ट्रिक्ट कर देगा और आपको पेज क्रिएट नहीं करने देगा। फिर आप लोग परेशान होते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन आ रही है, हमारा पेज क्रिएट नहीं हो रहा, पेज क्रिएट नहीं हो रहा, तो आप जितना ज्यादा बार 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 कोशिश करेंगे, और हालांकि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपको एक काम से, और आप बार बार ट्राई कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं, फिर वो ज्यादा टाइम लगता है उसको ठीक होने में भी। ठीक है, तो अगर उसने एक मतलब ही आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर आप वेट करें उसके खुद खुद आपको परमिशन देने का। ठीक है, तो आप लेकिन आपकी नौबत ही ना आने देखे आपको रिस्ट्रिक्ट, आप मतलब वेट कोई भी काम करें फेसबुक के ऊपर तो उसको बहुत स्पीडली नहीं करें, मतलब आप अगर किसी को मैसेजेस भी सेंड कर रहे हैं ना, तो अगर आप एक ही मैसेज कॉपी करके उसको बहुत सारे लोगों को पेस्ट करते करके सेंड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो वो फेसबुक उस पर भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो मैसेजेस ही आपको स्टॉप कर देता है कि अभी आप जो है ना फिलहाल आप नहीं सेंड कर सकते मैसेजेस, तो वो आपको 10 या 12 घंटे के बाद दोबारा आपको परमिशन देगा कि आप दोबारा मैसेजेस सेंड करें। ठीक है, तो क्योंकि जो है ना कुछ लोग जो है फेसबुक को गलत तरीके से भी यूज कर रहे होते हैं, तो उसको रोकने के लिए फेसबुक जो है ना नोट कर रहा होता है कि कौन सा शख्स जो है ना किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। जब वो देखता है कि कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई शख्स बहुत स्पीडली कुछ करता जा रहा है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता जा रहा है जो नहीं होने चाहिए ना, तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई हमने अगर जीमेल आईडी बना के फेसबुक प्रोफाइल बनाया उसी टाइम पेज बना दिया, इसमें क्या गलत है। गलत असल में ये है कि जब हम फेसबुक पेजेस बनाते हैं तो मोस्टली लोग जो है ना उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कुछ अपने ब्रांड को सेल करने के लिए या सर्विसेज देने के लिए। अब जो नए लोग आते हैं ना, जो स्कैमर्स होते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो असल में मतलब वो अच्छी चीज सेल आउट नहीं कर रहे कुछ भी, लेकिन वो स्कैम कर रहे हैं लोगों से, तो वो ऐसे करते हैं कि वो बहुत ज्यादा सारे मतलब उन्होंने प्रोफाइल उनके फेसबुक के प्रोफाइल्स होते हैं और उनके ऊपर वो बड़ी स्पीडली न्यू न्यू पेजेस बनाते हैं, उनके ऊपर वो इस तरह से अपनी फेक प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगा के मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं, और जो लोग जब लोग उन्हें ऑर्डर करते हैं तो उन्हें लोगों को अच्छी चीज भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसलिए जो है ना फेसबुक पहले आप लोग देख रहा होता है कि जो शख्स आया है उसका प्रोफाइल कितना पुराना है। अगर तो प्रोफाइल पुराना होगा तो वो ट्रस्टेबल पर्सन होगा। ठीक है, तो वो जब फेसबुक पेज भी क्रिएट करेगा अपना, तो फेसबुक उस पर ट्रस्ट करेगा कि ये शख्स जो है वो फेक नहीं है, मतलब मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब जब वो पेज क्रिएट करेगा और फिर उस पेज के ऊपर अच्छा अपना
जो है ना अच्छा कंटेंट भी लगाएगा, और फिर उस कंटेंट इसके अलावा पेज के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन फेसबुक ने मांगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो दे देगा, तो फिर वो फेसबुक के लिए ट्रस्टेबल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसलिए फेसबुक पे जो भी काम करना है वो बहुत फास्टली फास्टली नहीं करना, सारे स्टेप्स आपने थोड़ा स्लोली करना है। मीन्स अगर आपने अपना प्रोफाइल अभी बनाया है तो 1 वीक वेट करें, उसके बाद आप उस प्रोफाइल को बनाने के जब आपने बनाया तो ये नहीं कि बस बना के छोड़ दें, बल्कि उस प्रोफाइल के ऊपर आप अच्छा मतलब पोस्ट लगाएं कुछ, और लोगों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें पोस्ट। ठीक है, और जो आप दूसरे लोगों के पेजेस हैं उनको भी लाइक करें, उनको फॉलो करें और उनके पोस्ट को भी लाइक करें, मतलब उसके ऊपर कुछ कुछ एक्टिविटी शो होगी तो फेसबुक को पता चलेगा कि ये शख्स जो है वो फेक नहीं है, मतलब ये किस किस्म के प्रोफाइल पेजेस को लाइक कर रहा है, किस किस्म का ये कंटेंट अपलोड कर रहा है, उस कंटेंट को देख के फेसबुक देखेगा कि ये ट्रस्टेबल पर्सन है। फिर जब हम उसके ऊपर पेज क्रिएट करेंगे और हम उस पेज के ऊपर अपनी सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन भी अच्छे तरह से पुट करेंगे तो हम उसके लिए फेसबुक के लिए ट्रस्टेबल पर्सन होंगे। ठीक है, तो फिर फेसबुक हमें आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब आपने ये जो काम है आहिस्ता, मतलब आप पहले देखें आपका फेसबुक आईडी प्रोफाइल नहीं है तो फिर आप बनाएं, और फिर 1 वीक के डिस्टेंस के बाद आप उसके ऊपर फेसबुक पेज क्रिएट करें कीजिएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमने प्रोफाइल क्रिएट अगर तो अभी अभी प्रोफाइल क्रिएट किया है तो उसके ऊपर हमने क्या काम करना है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। जी, क्या काम करना है अगर आपने अभी अपना प्रोफाइल पहले नहीं था और अभी आपने न्यूली क्रिएट किया तो उसके ऊपर आप क्या काम आपको करना होगा? उसके लिए वेट करना पड़ेगा 1 वीक। नहीं, वो वेट तो करना है, उस वेट करने के दौरान आपने क्या करना है वो बताइए। अच्छा कंटेंट करके लाइक्स लेने हैं, फॉलोअर्स फ्रेंड्स को शेयर करना है, और डिफरेंट ठीक फॉलोअर्स करने हैं उनके, उनकी पोस्ट को लाइक करना है। है, शाबाश। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो लोग न्यू प्रोफाइल बना रहे हैं उन्होंने क्या काम करना है। 1 वीक वेट तो करना है, लेकिन ये नहीं करना कि प्रोफाइल बना के 1 वीक छोड़ दिया, उसकी खैर खबर नहीं ली। 1 वीक के अंदर आपने दूसरों के अच्छे जो पेजेस हैं अच्छा कंटेंट है उसको लाइक करना, फॉलो करना है उनके पेजेस को, और अपना अच्छा कंटेंट पोस्ट करना है, और फिर उन पोस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद अब एक और आप लोगों के लिए सजेशन है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो ना पेजेस क्रिएट पेज उन्हें मतलब हम लोग लर्निंग फेज में हैं, आप लोग तो जब स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें नया नया काम सिखाया ना, तो वो प्रैक्टिस के लिए उस काम को 4-5 मरतबा जरूर करते हैं। तो जब उनको पेज बनाना सिखाया जाता है तो स्टूडेंट अक्सर ना प्रैक्टिस के लिए 4-5 पेजेस इकट्ठे क्रिएट करते हैं, तो उस पे भी फेसबुक जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपने पेज बनाने पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, आपने एक मरतबा ही अपने पेज का अच्छा नेम सोच लेना है, और पेज का नेम वो ही रखना है जो आपका ब्रांड का नेम है। ठीक है, वो नेम रख के आपने एक मरतबा ही जस्ट एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आपने बहुत सारे पेजेस क्रिएट नहीं करने, क्योंकि जब आप बहुत सारे पेजेस इकट्ठे क्रिएट करोगे तब भी फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आपको पेजेस क्रिएट नहीं करने देगा। ठीक है, तो पेजेस बनाने पे कभी भी प्रैक्टिस नहीं करनी, डायरेक्टली पेज क्रिएट करना है जेन्युइन पेज, और एक मतलब पेज क्रिएट कर लिए अब उसके ऊपर अच्छा कंटेंट आप लगाएं और उसको ग्रो करने की कोशिश करें। ठीक है, और अब एक और बात कि आपने बस एक जीमेल अकाउंट, जी बोले, हाँ हम लोग पुराना यूज नहीं कर सकते, वी हैव जी टू क्रिएट जी न्यू वन। नहीं, पुराना यूज कर सकते हैं, वो मैं जस्ट ये बता रही थी कि कुछ लोग होते हैं उनका जीमेल अकाउंट भी नहीं बना होता और फेसबुक प्रोफाइल भी नहीं बना होता, तो जीमेल अकाउंट बनाते साथ ही वो फेसबुक प्रोफाइल बना के फिर फौरन ही पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये काम नहीं करना, अगर मतलब आपने फिर जीमेल अकाउंट आज बनाया है ना तो आप वो एक दिन वेट कर लें, नेक्स्ट डे आप प्रोफाइल बना लें, लेकिन पेज उसी दिन नहीं बनाएं, फिर 1 वीक वेट के बाद आप जाके अपना पेज क्रिएट कीजिएगा। ठीक है,
और एक वीक में ना आप लोगों ने एक से ज्यादा पेज कभी क्रिएट नहीं करना। आपने ये जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस के लिए इकट्ठे नहीं करना, लेकिन आप ये भी ना सोचे कि मैं चलो 2-3 दिन के बाद अगला क्रिएट कर लूंगा। तो एक वीक में आपने एक ही पेज क्रिएट करना है, इसलिए सोच समझ के अपने पेज का अच्छा नेम सोचें। और नेम अब मैंने तो आपको लास्ट टाइम करवा दिया हुआ ना, पर ब्रांड नेम रिसर्च हमने कर ली, ब्रांड का लोगो भी बना लिया, तो जो आपका ब्रांड का नेम था वही आपने अपने पेज का नेम रखना है, ठीक है? तो अच्छा पेज नेम सिलेक्ट करके और उसकी कैटेगरीज वगैरह आपने पहले सिलेक्ट करके और एक मरतबा में ही अच्छा सा पेज बना लेना, ठीक है? कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो बाद में, लेकिन पेज का जो नेम है वो आप अगर एक मरतबा आपने पेज बनाया ना तो वो आप 60 डेज तक दोबारा से पेज का नेम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब 2 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही आपने नेम जो है ना वो अच्छा सोच के फिर बनाना है अपना पेज, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, ये मीटिंग जो है ना खत्म होने वाली है, इसका टाइम जस्ट 4 मिनट्स रह गए हैं और ये एक स्टूडेंट अब आई है क्लास में, तो अब मैं इस मीटिंग लीव करती हूँ। तो फिर नेक्स्ट मीट जो मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ, लेकिन वो लिंक आपको पता है 5 मिनट्स के बाद ही क्रिएट होगा, तो तब तक आप लोग वेट कीजिएगा। और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, इसके बारे में सोचें और कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर हमसे तब पूछ लीजिएगा। और आपने एक और काम करना है कि जिन स्टूडेंट्स के फेसबुक प्रोफाइल्स बने हुए हैं ना वो अपने ओपन करके रखें, और दूसरा काम ये कि कैनवा ओपन करके रखिएगा। कैनवा पे हम फेसबुक का जो है ना कवर पिक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम पेज पेज क्रिएट करेंगे, और पेज में हमने अपनी कवर पिक्चर और लोगो लगाना होगा, ठीक है? मतलब लोगो हम प्रोफाइल पिक्चर में लगाएंगे, तो लोगो सो आप लोगों के मैंने डिजाइन करवाए हुए हैं ना तो हम वही यूज कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कवर पिक्चर जो है वो अब हम अपनी न्यू न्यू क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। तो पेज के ऊपर जब हम पेज क्रिएट करते हैं ना तो फिर हमसे कहता है कि हम मतलब हमसे डिमांड कर रहा होता है कि आप अपने प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड कर दें इसके ऊपर और कवर पिक्चर भी ऐड कर दें, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि हम जितनी ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहे हैं अगर हम सारी की सारी उसे देंगे ना तो वो हमें ट्रस्टेबल पर्सन कंसिडर करेगा। तो हम साथ साथ ही आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर दोनों ही ऐड कर देंगे ताकि वो फेसबुक हम पे ट्रस्ट करे कि हम उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बारे में, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कवर पिक्चर भी अभी डिजाइन कराऊंगी इंशाल्लाह, उसके बाद हम अपना फेसबुक का जो पेज है ना वो क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको 5 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह लिंक सेंड करती हूँ, तो आप सब लोग वो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? चले ओके मिस। अब ना सब लोग अपने क्रोम में लिखें canva.com और कैनवा ओपन कीजिएगा। ये देखिए मेरे सामने आपको यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है, ये मैंने ओपन किया, यहाँ पे सर्च बार में हमने लिखना है canva.com, ठीक है? या खाली कैनवा लिख के भी आप ओपन कर लें, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कैनवा ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे देखें कि उनका ना साइन इन नहीं हुआ होगा। जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है ना मेरा नेम इसमें यासीन, क्योंकि ये मैंने साइन इन किया हुआ है इसको ना अपने गूगल अकाउंट के साथ। ये मैंने जब स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया था कैनवा का तो उसमें मैंने आप सब स्टूडेंट्स को बताया था ना कि आपको पहले यहाँ से साइन इन करना पड़ेगा अपने जीमेल अकाउंट के साथ, ठीक है? मतलब जीमेल का जो भी आपका ईमेल एड्रेस है या और पासवर्ड है उसके साथ आपको उसको लॉग इन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, सॉरी। तो जिनका यहाँ पे साइन इन नहीं हुआ ना उनको यहाँ पे साइन इन की टैब शो हो रही होगी, उसके ऊपर लिखा होगा साइन इन, ठीक है? और साइन इन पे क्लिक करें और उस पे जाके अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करें तो फिर साइन इन कर हो जाएगा। तो फिर उनको ये इंटरफेस शो होगा, पूरे मतलब ये कैनवा का जो पूरा लेआउट है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये जल्दी से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से ये करें ताकि फिर मैं आगे काम करवाऊँ। ये करके मुझे चैट बॉक्स में ना मैसेज कर दें कि आपका साइन इन हो गया है। जो न्यू स्टूडेंट है इनमें एक अनम फातिमा है और एक यासिर महमूद है, इसके अलावा सना फातिमा, ठीक है? आप तीनों जल्दी से साइन इन, अगर तो आपका पहले से हुआ है तो भी आप मुझे चैट बॉक्स में बता दे कि साइन इन हुआ है। आपका यहाँ पे नेम शो होगा, जैसे ये सर्कल में शो हो रहा है ना, सर्कल पे क्लिक करके नेम आ जाएगा अगर तो आपका साइन इन हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर साइन इन पे क्लिक कीजिएगा,
और अपने जीमेल अकाउंट का मतलब जीमेल पे जो मेल है ना, जैसे ये मेरी लगी हुई है ना, smerayasin@therateofgmail.com शो हो रहा है आपको, ऐसे आपको भी शो होगी अपनी, अगर तो आपका साइन इन हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो अपनी जीमेल लगाइए और पासवर्ड लगाइए जीमेल का और फिर साइन इन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी से करके मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। जी, सना फातिमा का हो गया साइन इन, और बाकी दो जो हैं यासी महमूद एंड अनम, आप दोनों भी मुझे जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अनम का भी हो गया, गुड। यासिर आप भी बताइएगा। चलें ठीक है, इन तीनों का साइन इन हो गया, अब मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। मैं इसलिए वेट करती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स पीछे रह जाएं तो फिर उन्हें आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ कि वो भी साथ साथ जो सब स्टूडेंट्स को लेके चलें तो काम अच्छा हो जाता है, ठीक है। इत्तेफाक में वैसे भी बरकत है तो मिलके काम करना चाहिए हमें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फेसबुक का जो कवर पिक्चर है हमने वो डिजाइन करनी है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ फेसबुक की कवर पिक्चर होती क्या है। ये देखिए, ये ना मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसके ऊपर ये जो ऊपर शो हो रहा है ना एक रिक्टेंगल जिसपे ये दुरूदे पाक लिखा शो हो रहा है, ठीक है, तो ये कवर पिक्चर है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है एडिट कवर पिक्चर, ए कवर फोटो सॉरी, ठीक है। तो अगर हम इस पे एडिट पे क्लिक करें तो हम यहाँ से कोई न्यू अपलोड भी कर सकते हैं पिक्चर। तो हमने ना बेसिकली ये वाली कवर पिक्चर अपनी डिजाइन करनी है अपने पेज की, और दूसरी चीज ये वाली प्रोफाइल पिक्चर होती है, ये जो सर्कल में शो हो रही है ना मेरे नेम के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे सर्कल में शो हो रही है, ये प्रोफाइल पिक्चर होती है। जब हम अपना पेज क्रिएट करेंगे ना तो पेज में भी हमसे हमारी कवर पिक्चर मांगेगा और सेकेंडली वो ये प्रोफाइल पिक्चर मांगेगा, ठीक है। तो वैसे तो हम अपने जो प्रोफाइल होती है उसमें कोई भी पिक्चर रैंडमली लगा लेते हैं ना, लेकिन जब हम अपना पेज बनाते हैं तो पेज का पर्पस क्या होता है कि हमने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है। तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें जो पेज की जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वो अपनी लोगो लोगो लगाना चाहिए उसमें, ठीक है। मतलब हमारा जो बिजनेस है उसका हमें लोगो लगा लेना चाहिए, क्योंकि जो लोगो होता है वो हमारे ब्रांड को शो कर रहा होता है ना, तो मैंने अपने लोगो डिजाइन भी करवा लिया हुआ है। अब ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मैं भी लोगो डिजाइन करके एक दिखा देती हूँ ताकि इन्हें पता चल जाए क्या होता है, ठीक है। तो लोगो भी जो आप लोगों ने किया हुआ डिजाइन वो आपने अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगाना है, और कवर पिक्चर भी अभी डिजाइन करनी है वो मैं आपको भी पहले कवर पिक्चर सिखा देती हूँ, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स इतनी देर में फिर वो बना रहे होंगे ना कवर पिक्चर, उतनी देर तक मतलब ओल्ड स्टूडेंट्स इतनी देर में बना रहे होंगे कवर पिक्चर, उतनी देर तक मैं ये बता दूंगी कि लोगो कैसे डिजाइन करना है न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि उनको भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, सॉरी मुझसे यहाँ पे ये देखिए, ये सर्च बार आ रही है ऊपर सबको शो हो रही है ना, इसके अंदर हमने लिखना है फेसबुक कवर पिक्चर्स, ठीक है, और एंटर कर देना है। अब ये इन्होंने बहुत सारी कवर पिक्चर्स आपको शो कर दी है, ठीक है। इसमें से देखें एक तो ये मुझे डिजिटल मार्केटिंग की अच्छा देखिए, मैं आपको जो फिलहाल बनवा रही है ना पेज, आपने ना अपने अपने ब्रांड का पेज बनाना है, ठीक है। जैसे कुछ गर्ल्स थी वो ज्वेलरी सेल कर रही थी, कुछ क्लॉथ सेल कर रही थी लेडीज अपेरल वगैरह, और एक जो थे हमारी क्लास में एक मेल स्टूडेंट थे वो मोबाइल एक्सेसरीज सेल कर रहे थे। तो आप सबने अपने आपने अपने बिजनेस के लिहाज अपने लोगोस क्रिएट किए थे, ठीक है। तो अब हमने उसी लिहाज मतलब जो आपका बिजनेस था ना उसके लिहाज से ही अब आपने अपना एक कवर पिक्चर डिजाइन करना है उस जो आपके बिजनेस को शो कर रहा हो, ठीक है। मतलब अगर आपके अपेरल का बिजनेस है तो आपने ऐसा कवर पिक्चर बनानी है जो अपेरल्स को शो कर रही हो, तक जो लेडीज के गार्मेंट्स हैं तो लेडीज के गार्मेंट्स को शो उसके ऊपर शो हो रही हूँ, ठीक है। और अगर मोबाइल एक्सेसरीज हैं तो उसके ऊपर मोबाइल एक्सेसरीज शो हो रही हूँ।
तो उस तरह की हमने बनानी है। अच्छा अब मैं आपको ना एक आइडिया देती हूँ, बता रही हूँ कि अगर ना जैसे आप ये सीख रहे हो ना कोर्स, तो इसके बाद हमने अपनी सर्विसेज भी तो किसी ना किसी को प्रोवाइड करनी है ना डिजिटल मार्केटिंग की, कि आप किसी के लिए भी काम कर सकते हो अपना। अगर आप बिजनेस नहीं रन कर रहे हो, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना कि आप अपनी इन्वेंट्री खुद से खरीदें और फिर आगे बेचें, तो आप किसी को भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं ना रन, आप उनकी चीजें आगे सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी सर्विसेज लोगों को कैसे दोगे कि आप अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑनलाइन बना लें, ठीक है, और मतलब एक पेज बना लें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, और उस पेज के ऊपर आपने क्या करना है, अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में पोस्ट करनी है कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में क्या क्या कुछ होता है, मतलब क्या क्या काम करके देते हैं लोगों को। ठीक है, तो डिफरेंट आप पोस्ट वगैरह करेंगे और लोगों को उस मतलब फेसबुक पेज के थ्रू ही आप लोगों से ऑर्डर्स वगैरह लेके काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक पेज ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग तो अपने ब्रांड का ही करें फिलहाल, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का पेज क्रिएट करें और उसी का ही कवर पिक्चर क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने जो मुझे अच्छी लगी ना, मैंने उस पर क्लिक किया और ये कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगी, तो मैं इस टेम्पलेट को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये लोड हो रहा है जी, अब ये देखिए ये लोड हो गया। आप अगर फर्ज करें मैंने ये जो मतलब ओपन कर लिया ना, अगर मुझे इसमें से ये इतना अच्छा नहीं लगा ना खोल के, तो मैं ये कोई और सिलेक्ट करने के लिए बैक करने से बेहतर क्या है कि मैं यहाँ पे ही क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करके कोई और मतलब सर्च आउट कर लूँ, या यहाँ पे और भी आ रहे हैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये मतलब राइट लेफ्ट साइड पे देखें इतने सारे टेम्पलेट्स और शो हो रहे हैं, तो इनमें से भी मैं कोई सिलेक्ट कर सकती हूँ अगर मुझे कोई अच्छा लगे तो। ठीक है, तो मैं इनमें से पहले देखती हूँ कि मुझे कोई अच्छा लग रहा है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक खोल लिया तो उसके बाद आपने यहाँ पे भी आके सर्च आउट करना है। ये जैसे आपको मैं एक बात बता रही हूँ कि अगर आपने एक ओपन कर लिया है ना और आपको ये अच्छा नहीं लगा, तो आपने क्या यहाँ से बैक करके जाकर तो फिर कोई और नहीं देखना, बल्कि आप यहाँ साइड से देख रहे हैं, साइड से सर्च आउट कर लें कि जो पहले से शो हो रहे हैं इनमें से अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो वो देख लें, अदरवाइज आप यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिख के वो भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर किस तरह का आपको चाहिए उस वर्ड के लिहाज से। आप लोग भी साथ साथ ना अपने बिजनेस के लिए अकॉर्डिंग कोई भी कवर पिक्चर इस तरह से सर्च आउट करें और उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, उतनी देर आप सर्च करें जितनी देर मैं सर्च आउट कर रही हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। चले आई थिंक ये बेस्ट बेहतर है, 1 मिनट ये लोड होने दे इसको। नेट इश्यू है,
जी ये लोड हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले ना अपना लोगो प्लेस करना होता है, ठीक है, जो लोगो हमने बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से जो आपने पहले बनाया हुआ था ना लोगो, वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ अपलोड पे क्लिक करें और जो भी आपने लोगो बनाया हुआ है वो ओपन करके, यहाँ पे अगर आप अपलोड फाइल पे जाएंगे ना, अब यहाँ से हमने जिस जगह पे वो लोगो सेव किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले बना के डाउनलोड किया था तो वो डाउनलोड में सेव हुआ होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से वो लोगो डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा वो, ठीक है। और फिर अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो लोगो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। 1 मिनट में लोड हो रहा है, चलिए नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो लोड नहीं जल्दी हो रहा। जी लोड हो गया। अच्छा इसके ऊपर तो बैकग्राउंड आ रहा है ना व्हाइट, मैंने एक बैकग्राउंड रिमूव करके भी रखा हुआ है, मैं वो करती हूँ अपलोड यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं, अब इस पे बैकग्राउंड नहीं शो हो रहा तो मैं ये वाला लगाऊंगी यहाँ पे। और इसको छोटा करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते थे जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता बताइए, ड्रैग करते हुए कौन सा बटन प्रेस करके रखना है। सारी साइड से इक्वली हम उसको साइज रीसाइज कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें कौन सा बटन प्रेस करके रखना होगा, ऑल्ट की, ठीक है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ALT ऑल्ट की, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिए ताकि आप लोगों को याद रहे और नेक्स्ट टाइम मैं पूछूँ आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। ऑल्ट की प्रेस करके इसके कोड रखनी है और कॉर्नर को आपने ड्रैग करना है अंदर की तरफ। ये देखिए बहुत ज्यादा छोटा भी ना कीजिएगा, क्या कुछ नजर ही नहीं आए, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा साइज करके। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं माउस से टेस्ट कर लूँ, माउस से इजीली रीसाइज हो जाता है, टच पैड से काम नहीं हो रहा। चलो चलो ठीक है, टच पैड से वो इतने से रीसाइज नहीं हो रहा था क्योंकि मैं माउस यूज करती हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने अपना लोगो प्लेस कर दिया यहाँ पे। अगर आपको लगे कि इसका साइज ज्यादा छोटा हो गया या थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। इस तरह इतना होना चाहिए कि विजिबल हो आपके, प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है, डिजाइन के ऊपर। ठीक, अच्छा इसके बाद ना आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो आपका पेज का आपका नेम है ना, मीन जो आपका लोगो ब्रांड नेम है, वो आपने ना ये जो कवर पिक्चर बनाई है ना इसके ऊपर अलग से एक लिखना भी है। एक तो आपके लोगो में है ना, वो तो लोगो बहुत छोटा सा स्मॉल सा है ना, तो जब हम कोई भी चीज फेसबुक का जो पेज है आपने देखा होगा, वो लोग ना इस पे भी यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल्स पे भी, इसके अलावा जो है ना पीसीस वगैरह पे भी यूज करते हैं और लैपटॉप्स में भी ओपन कर रहे होते हैं, तो हर एक में ना वो उसका लेआउट डिफरेंट हो जाता है पेज का। आपने देखे मोबाइल के ऊपर वो कितना छोटा से एरिया में वो शो हो रहा होता है, ठीक है, और लैपटॉप के ऊपर जो है वो एरिया ज्यादा होता है, तो उस लिहाज से ना वो पिक्चर एडजस्ट कर देता है। तो समटाइम ये होता है कि हमने ये अपना जो कवर पिक्चर बनाई है ना, तो जब वो मोबाइल पे आएगी तो कम स्पेस में आनी है, तो फिर वो साइडों से थोड़ी कट कट कर देता है, साइड से थोड़ी सी वो शो नहीं हो रही होती, तो इसलिए हमने ना जो अपना लोगो है वो थोड़ा सा बड़ा लगाना है ताकि वो साइड से थोड़ा बहुत कट कट भी अगर कर दे ना तो हमारा लोगो जो है वो नजर आए, खत्म, ये ना हो जाए कि नजर ही नहीं आ उसके ऊपर, किसी और प्लेटफॉर्म पे शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है कि अपने जो पेज का नेम है ना, वो हमने इस पेज मतलब पूरी जो कवर पिक्चर है इसके जो मिडल में हमने टेक्स्ट लगाया हुआ है, इस टेक्स्ट में भी ऐड करना है, ठीक है। तो हमने ये मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत टेक्स्ट जो है और कलर्स है वो हमने चेंज करने हैं, तो यहाँ से ये उनका पहले लोगो प्लेस हुआ था, हमने अपना लोगो राइट साइड पर लगा दिया है, तो मैं इस लोगो को यहाँ से रिमूव करके
और फिर मैं यहाँ पे पेज का नेम लिख देती हूँ, ठीक है? क्या नेम है हमारे पेज का इस टाइम, जल्दी से बताएं। जो लोगों का नेम है, लोगों का नेम क्या है? लोगो नेम क्या है वो बताइए। डिजिटलाइज। जी, असल में ये मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी का नेम रखा है कि इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कर सकते हो, ठीक है? अब ये देखिए, मैंने ना ये डिजिटल और डिजिटलाइज का कलर सेम हो गया, तो मैं ना चाहती हूँ कि डिजिटलाइज का कलर ये वाला हो जाए जो मार्केटिंग एजेंसी का है, ठीक है? तो मैं कहाँ, यहाँ से कलर पे, ये देखिए ए के नीचे कलर शो हो रहे हैं ना, मतलब ये टेक्स्ट के कलर्स हैं। अब इस पर क्लिक करें और ये जो डॉक्यूमेंट कलर्स है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इलस्ट्रेटर, सॉरी इलस्ट्रेटर नहीं बल्कि कैनवा होता है, कैनवा के ऊपर जो होता है ना वो डॉक्यूमेंट्स का कलर्स कैनवा खुद ही पिक कर लेता है कि इसमें कौन कौन से कलर्स यूज हो रहे हैं। तो इस टाइम जो कलर्स यूज हो रहे हैं वो कैनवा पिक कर चुका हुआ है, ठीक है? तो हम इसमें से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लिया, तो ये ऑरेंज हो गया। अच्छा, और ना फिलहाल तो ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी है ना, तो मैं इसके मतलब जो टेक्स्ट का फॉन्ट है ना, मैं यही रहने दूंगी। लेकिन ना असल में हमारा काम ये होता है कि जो हमारा पेज का नेम है ना, हमने उसको ना फैंसी से टेक्सटाइल में लिखना होता है, और मतलब कि ऐसा टेक्सटाइल जो थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट करे। लेकिन वो हम डिपेंड करते हैं कि हम किस कैटेगरी में जाके अपना पेज बना रहे हैं। अगर तो हमारा फैशन रिलेटेड कैटेगरी है ना, तो फिर तो हम यहाँ से कोई भी, जैसे ये फॉन्ट्स है ना, इनमें से जैसे ये वाला फॉन्ट आ रहा है, भी थोड़ा डिजाइनिंग फॉर्म में आ रहा है ना, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव और डिजाइनिंग की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से हम इस तरह के जो फैंसी लोगो फॉन्ट्स है, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हमारी जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो वो थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड काम हो जाता है, ठीक है? तो बिजनेस रिलेटेड जो फॉन्ट्स होते हैं ना, वो सिंपल यूज हो रहे होते हैं, जैसे ये बोल्ड फॉर्म में और ये सिंपल सा फॉन्ट है, ठीक है? तो वो सिंपल फॉन्ट ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन ये फिलहाल डिजिटलाइज भी सही लग रहा है, अगर बहुत ज्यादा फैंसी हो तो फिर हम वो नहीं ऐड करेंगे। यानी बहुत ज्यादा भी कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा सिग्नेचर फॉर्म में आ रहे होते हैं, जैसे ये देखिए, ये भी ये देखिए, ये अच्छा नहीं ना लग रहा है यहाँ पे, तो हम पहले वाला ही रहने देते हैं। इसके अलावा ना हम इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ताकि ना वो इस पेज पे प्रोमिनेंट हो जाए पेज का नेम, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो हमारे लोगों के कलर्स है ना, मैं इसमें से कोई कलर चूज कर लेती हूँ। तो अब आप देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो ये जो लोगों के कलर्स है वो तो शो ही नहीं हुए, मतलब कि कैनवा ने पिक ही नहीं किए। तो हम इसका फिर ये कलर कैसे लेंगे, ये प्लस पे क्लिक करेंगे, और ये पेंसिल है ना, पेंसिल पे क्लिक किया। अब ये देखें, मैं जिसको सर्कल को जहां पे भी लेके जाऊंगी, सर्कल के दरमियान में जो आ रहा है ना एक बोल्ड हुआ हुआ स्क्वेयर, अब वो स्क्वेयर जिस प्लेस पे आएगा वो कलर पिक करेगा, ठीक है? अब जिस कलर में मैं लेके गई ना, वो वाला कलर मैंने क्लिक करना है, वो कलर इसमें आ जाएगा टेक्स्ट में, ठीक है? अब ये डिजिटलाइज का कलर थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने पेज का जो कलर है ना, वो थोड़ा चेंज, मतलब सॉरी पेज नेम का जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर लें, और टेक्स्ट को भी थोड़ा सा फैंसी सा शो कर दें, ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए आपके कवर पिक्चर के अंदर, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ से कुछ इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो इफेक्ट जो अच्छा लगे वो अप्लाई करना। ये देखें, ये सही लग रहा है, तो मैं यही कर देती हूँ अप्लाई, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ना ये वाली जो लाइन है ना, इंक्रीज योर बिजनेस क्विकली विद अस, ये हमने चेंज करनी है। मैंने आपको बताया था ना कि टेक्स्ट जो है उसको मैक्सिमम हमने चेंज कर देना होता है, ताकि कॉपीराइट इशू ना आए, ठीक है? टेक्स्ट जितना आप चेंज कर सके वो कर दें, इमेजेस है वो चेंज कर दें, अगर तो आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट कर दें, जो भी मैक्सिमम चेंज कर दें, क्योंकि कैनवा को बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम उसको में चेंजेस बहुत कम करेंगे ना, तो कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं बहुत ज्यादा, फिर लोग जो है उनका सेम कवर पिक्चर्स हो जाएंगी। तो हमें जितना हो सकता है टेक्स्ट को चेंज करें, उसको कलर्स को चेंज करें, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट का मतलब फॉन्ट भी चेंज कर दिया, तो कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से भी मैं ये इमेज भी चेंज कर दूंगी, तो काफी ज्यादा चेंज करके फिर हम उसको डाउनलोड करेंगे और फिर हम यूज करेंगे उसको अपने फेसबुक कवर पिक्चर में, ठीक है?
तो अब ये हमने लाइन जो है ना क्या लिखनी है, इसके लिए ना हम एक चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो आप खुद भी लिख सकते हैं ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट में आपको नहीं समझ आ रही ना तो आप ये चैट जीपीटी ओपन करें सर्च बार में, और ये फर्स्ट वाला लिंक है इस पे ओपन क्लिक करें। ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपने ना चैट जीपीटी से पूछना है कि आई वॉन्ट टू मेक अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी गिव मी आ 5 वर्ड्स लोगो, सॉरी स्लोगन फॉर इट, क्या 5 वर्ड्स या 6 वर्ड्स कह के तो उसे लिखवा ले। अब ये देखिए उसने हमें लिख के दिया बोश योर ब्रांड ऑनलाइन टुडे। इसके अलावा अगर हमें चेंज कुछ और चाहिए ना तो हम उसे कहेंगे कि गिव मी सम मोर स्लोगन्स, तो ये आपको और भी बहुत सारे दे देगा। नेट स्लो है, लोड नहीं हो रहा। के वो दे रहे हैं आपको और भी बहुत सारे, इनमें से कोई भी आप स्लोगन लाइन चूज करें, कॉपी करें और वहां जाके पेस्ट कर दे। वैसे तो इसने जो फर्स्ट दी है ना ब्रांड बूस्ट योर ब्रांड ऑनलाइन टुडे, मुझे ये लाइन भी काफी अच्छी लग रही है तो मैं तो यही कर दूंगी। मैंने वो जस्ट आप लोगों के लिए करके दिखाया था कि आपको लोगों को पसंद नहीं है तो आप और कैसे उसे मांग सकते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, तो ये वाला था, यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन जो है इसको रेज करना है और ये दूसरी वाली लाइन पेस्ट कर दी। ठीक, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जो है आप अपना ऐड कर दें, बिजनेस वाला +92, कोई भी जो आपका फोन नंबर है वो ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ना हमने ये पिक्चर चेंज करनी है। इसके लिए हमने क्या करना है, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और एलिमेंट्स में जाके हमने सर्च करना है डिजिटल डिजिटल मार्केटर्स लिख लें, या फिर आप ऐसा हाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही लिख लें, या आप ना बिजनेसमैन लिख लें। ठीक है, अब इसमें देखिए जो फोटोज है ना सी ऑल पे क्लिक करें, सारी फोटोज शो हो जाएंगी, इसमें से कोई भी पिक्चर हम ले लेते हैं। ठीक इसमें कुछ जो है ना जिनके पे क्राउन शो हो रहा है ना ये पेड हैं, ये हम यूज नहीं कर सकते जब तक हम कैनवा को पैसे लेके बाय नहीं करते। ठीक है, इसलिए वो हमने नहीं करने, इसलिए मैं इसमें से फाइंड कर रही हूँ जो फ्री है ना उसमें से कोई अच्छा कौन सा वाला है, वो वाला हम यूज कर लेते हैं। आप लोग साथ साथ अपना बना रहे हैं कि जस्ट मेरा ही देख रहे हैं अभी? ठीक है, महानूर बना रही है और बाकी बाकी लोग भी साथ साथ बनाए, जितनी देर मैं फाइंड करी हूँ ना उतनी देर आप लोग अपने ब्रांड के बारे में कोई फाइंड आउट कर लें। मिस बना रहे हैं साथ साथ। चलिए ठीक है गुड, क्योंकि अब टाइम कम है ना, फिर आपको टाइम इतना ज्यादा अलग से नहीं दे सकती।
मोस्टली ना इसमें पेड इमेजेस आ रहे हैं। अच्छा जब आपको यहाँ से कोई अच्छा फ्री इमेज ना ना मिले तो उसके लिए ना मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ, वहां से आपको ना फ्री में इमेजेस मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। आपने ना यहाँ सर्च बार में लिखना है फ्री पिक, ठीक है? ये फ्री पिक एक फ्री वेबसाइट है, फ्री पिक डॉट कॉम। यहाँ पे आपको फ्री में इमेजेस मिल जाते हैं। इसमें भी कुछ पेड़ होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं, कैनोपी पे जैसे हमने देखा ना बहुत ज्यादा ही पेड़ आ रहे हैं। ये देखें इस पे काफी ज्यादा इमेजेस और ये सारे ऑलमोस्ट फ्री हैं। इसमें बहुत कम आपको ये देखें, बस ये एक दो तीन ये बहुत कम आ रहे हैं जो क्राउन साइन वाले हैं, मतलब पेड है। बाकी आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्री इमेजेस भी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप इसमें से कोई अच्छा से फ्री इमेज लेके वो डाउनलोड करके वहां लगा दें। जैसे एक ये इमेज है ना इसमें देखें आपको ना बहुत ज्यादा ये अच्छे आइकन्स भी आ रहे हैं सारे डिजिटल मार्केटिंग के, ये वाला ले रहे हैं। लेकिन ना हमने ये देखना है कि हमारा जो पहले इमेज लगा हुआ है ना उसका बैकग्राउंड किस कलर का है। अब ये व्हाइट है ना, अब ये ब्लू के अंदर व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही अच्छा लगेगा, ठीक है? तो अगर हम कोई और बैकग्राउंड लगा दें, जैसे ये है लाइट लाइट सा बैकग्राउंड है, तो हमें ये देखना होगा कि ये सूटे उस पर सूट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? बट तो करेगा ना, फिर हम लगा देंगे। लेकिन आई थिंक इसमें व्हाइट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही फिलहाल फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है? ये देखें ये व्हाइट बैकग्राउंड में है तो मैं ये वाला कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है, गो प्रीमियम पे नहीं करना, ठीक है? गो प्रीमियम पे करेंगे ना तो आपसे पैसे मांगेगा, तो हमने फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गया। अच्छा अब मैं इधर से इसे बंद करती हूँ। जहाँ पे ये मेरा डाउनलोड हो रहा है अभी 2 मिनट वेट कीजिएगा। जी हो गया डाउनलोड। अब मैं इसको करूंगी राइट क्लिक और शो इन फोल्डर करूंगी, ये मुझे शो हो गया फोल्डर में। अब मैं यहाँ से ना इसको फिलहाल मैं मिनिमाइज करके ना फोल्डर को अपना कैनवा ओपन करती हूँ और यहाँ पे मैं अपलोड पे जाऊंगी और फिर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है? अच्छा चाहे आप यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दें या यहाँ पे, दोनों में करेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा आपको। ये आ गया, अब मैंने इस पे क्लिक किया, ये हमें शो हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगी और ये, ठीक है? तो हमने इमेज भी चेंज कर लिया अपना, तो हमारे एक क्रिएट हो गया अच्छा सा कवर पिक्चर। इस कवर पिक्चर को ना हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हमने किस पे क्लिक करना है, शेयर पे, ठीक है? शेयर पे क्लिक किया और ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे ना ये देखिए ये आ रहा है कि जेपीजी में डाउनलोड करना है या पीएनजी में, ठीक है? तो जो जेपीजी अगर हम करें तो वो तो थोड़ा सा ना लो क्वालिटी होता है इमेज, पीएनजी जो होता है ना उसकी क्वालिटी ज्यादा हाई होती है और इसका साइज भी थोड़ा सा जेपीजी से बड़ा हो जाता है फाइल का, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसे ना पीएनजी में ही कर लेती हूँ क्योंकि उसको क्वालिटी अच्छी हो जाएगी ना। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरा, वाई आई थिंक मेरा नेट जो है ना वो स्लो है, इस वजह से नहीं हो रहा। जी आ गया, नेट स्लो था, लोड नहीं था हो रहा वो ऑप्शन, क्योंकि ये ऑनलाइन वेबसाइट है ना, तो अगर आपका नेट की स्पीड अच्छी होगी ना तो इसके सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे होंगे। जैसे आपकी नेट की स्पीड कम होगी ना इसके ऑप्शंस जो है ना वो शो
कुछ शो होंगे कुछ नहीं होंगे, और सम टाइम ये वर्क करना भी बंद कर देता है बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये मेरा तो हो गया डाउनलोड। ये देखिए, अब मैं इधर से कैनवा बंद कर दूंगी, बल्कि नहीं, मैंने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अच्छा अब जो स्टूडेंट्स मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो जल्दी से अपनी कवर पिक्चर डिजाइन कर ले साथ साथ, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक लोगो भी बना के दिखा देती हूँ, ताकि उनको लोगो बनाना भी आ जाए। तो उसके बाद फिर हम आगे करेंगे इंशाल्लाह पेज क्रिएट। ठीक है, और जो अब न्यू स्टूडेंट्स है ना, उनका उनकी असाइनमेंट है कि उन्होंने अपनी कवर पिक्चर जो है ना, अब वो घर में डिजाइन करेंगे, और मुझे कल तक जो है ना उन्होंने सेंड करनी है अपनी कवर पिक्चर्स। ठीक है, और लोगोस भी उन्होंने सेंड बना के मुझे कल तक सेंड कर देंगे। पहले तो जाहिर है वो लोगो बनाएंगे, तो वो अपनी कवर पिक्चर पे यहाँ पे लोगोस लगाएंगे ना, तो उन्होंने पहले लोगो बनाना है, उसके बाद उन्होंने कवर पिक्चर बना के उसके ऊपर लोगो लगाना है, और फिर मुझे कवर पिक्चर सेंड करनी है, और लोगो भी सेंड कर देना ग्रुप में अपने। ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है जिसमें लिंक आया है, उस ग्रुप में सेंड करना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा फिलहाल ना मैं ये वाला कर रही हूँ, होम पे जा रही हूँ ताकि आप लोगों को लोगो डिजाइन सिखा दूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे ना लिखना है लोगो और एंटर कर देना। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगोस आ गए, इसमें से अगर हम ना क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे जाएंगे, और यहाँ पे ना सर्च कर लेंगे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग लोगोस। ठीक है, अब ये देखें बहुत सारे लोगोज आ गए, इनमें से कोई भी चूज कर ले जो आपको अच्छा स्टाइल लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव फील हो रहा है ना, वो वाला ले लें आप। अब इसमें भी आपने देखना है कि जो फ्री है ना आपने वो लेना है, जिसके ऊपर क्राउन शो हो रहा है ना वो पेड है, तो पेड वाले आपने नहीं लेने। ठीक है, सपोज मैं यही वाला ले लेती हूँ, और ना इसमें मैं बस चेंज कर देती हूँ ये टेक्स्ट, मेरी कंपनी का नेम क्या था, डिजिटलाइज। ठीक है, तो मैं इसको भी डिजिटलाइज लिखूंगी और डी कैपिटल, और यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा टेक कंपनी, मेरी टेक कंपनी नहीं है, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो मैं मार्केटिंग एजेंसी कर दूंगी इसकी जगह पे। ठीक, अब इस तरह से हमने इसको ये मतलब टेक्स्ट चेंज कर लिया, अपने ब्रांड के लिहाज उसका नेम चेंज किया, और नीचे भी टेक्स्ट चेंज किया। ठीक है, अब ना हम ये वाली जो इमेज है ना इसको भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो पहले से इमेजेस आ रहे हैं ना, जैसे ये देखें, आपने यहाँ से क्लिक करना है प्लस साइन पे, न्यू नेक्स्ट पेज पे जाके फिर किसी भी लोगो पे क्लिक करना है, और इस लोगो के ऊपर जो इमेज आ रहा है ना, ये देखें अभी इन्होंने दो इमेजेस यूज किए, मुझे ये दोनों चाहिए, तो मैं क्या करूंगी शिफ्ट प्रेस करके रखूंगी, दोनों पे क्लिक करूंगी बारी बारी, और फिर इसके ऊपर ग्रुप आ रहा है, ग्रुप पे क्लिक कर दूंगी, दोनों ग्रुप हो गए, अब इकट्ठे ही कॉपी कर कंट्रोल सी से इकट्ठे कॉपी होंगे, और ऊपर वाले को मैंने बैक स्पेस किया और ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये मैं आपको जल्दी इसलिए करा रही हूँ कि मैं पहले काम बहुत स्लोली सब स्टूडेंट्स को साथ साथ करवा चुकी हूँ, और अब आप लोग लेट आए हैं। ठीक है, इसलिए अब इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लें और इसके ऊपर प्लेस कर दें। ठीक है, तो अब इसका एक न्यू लोगो क्रिएट हो गया, उस पर इमेज भी हमने चेंज कर दिया, टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, तो कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। इस तरह से अपने अपना लोगो क्रिएट करना है, और ये जो हमारे पिछले लेक्चर्स है ना यूट्यूब पे हमने अपलोड किए हुए हैं, तो ग्रुप में मैं लिंक दोबारा से शेयर कर दूंगी, अब वो देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल से लोगो डिजाइन सिखाया हुआ है, तो आप उसमें से एक मतलब दोबारा से लोगो डिजाइनिंग समझ लीजिएगा और डिटेल में, और फिर आप ट्राई कीजिएगा अपने लोगो क्रिएट करना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में वैसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब टाइम खत्म, मीटिंग का 1 मिनट है, तो मैं लीव करने लगी हूँ। ओके।